नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जो हरियाणा के मेवात में हुई हिंसात्मक घटना के बाद भारतवर्ष के हिंदू संगठनों और जनमानस में उबाल देखा जा रहा है। जगह जगह घटना के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर के शास्त्री चौक पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जिहादी मानसिकता के लोगों का पुतला फूंका गया और मांग की गई कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा के मेवात में नूह नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के नाम पर एक यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य वहां के मंदिरों की सुरक्षा और उनको जीर्णोद्धार करके उनको पुनः स्थापित करने का उद्देश्य है। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां हरियाणा में हुए बवाल के बाद कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वही पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश के आदेश पर सभी डीसीपी एसीपी अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया समेत अन्य गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। वही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो जनरल अलर्ट शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर हुआ है, उसके दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में भी सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं कमिश्नरेट में, वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग, स्थाई पिकेट, अधिकारियों द्वारा भ्रमण, फुट पेट्रोलिंग आदि जारी है। जो भी विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम घोषित हुए हैं। वही अगली खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जालौन पहुंची। वही उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में टीबी रोगियों से मुलाकात भी की। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक के बाद दोपहर ग्राम सरसौखी के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां जिला अस्पताल लोहिया में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के दो मोबाइल को चोर लेके रफू चक्कर हो गए। वही घटना को अंजाम देते वक्त चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वही अगली खबर कासगंज जनपद से है, जहां सोरो कोतवाली क्षेत्र से दो दिनों से लापता युवक का शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन के पास पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। वही युवक के परिजनों ने गांव के ही नामजद युवक पर हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां हरियाणा के मेवात में सोमवार को हुए सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में आज हरदोई में बजरंग दल ने जिला संयोजक ऋषभ अग्निहोत्री के नेतृत्व में शहर के सिनेमा चौराहे पर आक्रोश जताते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन हो रहा है, क्यों हो रहा है? पुतला जो है इस्लामी जिहाद का है, और जो जिस प्रकार के जो है बहुत ही विभत्स पथराव आगजनी का जो घटना हुई है हरियाणा में, जिसमें हमारे बजरंगी हैं दो, उनकी हत्या हुई और अन्य जो है कई सारे हिंदू जनमानस को क्षति पहुंची है, इसके विरोध में इस्लामी जिहाद है। जो मौलानाओं के द्वारा जो है जिस प्रकार से उनको भड़काया गया और ये जो घटनाएं हुई हैं, इसके विरोध में हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं। वही अगली खबर बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक से है, जहां एक अजब गजब मामला सामने आया है। लेखपाल ने पानी पीने के कुएं को जगमोहन का पुत्र दिखाकर जमीन घरौनी में दर्ज करा दी है। जब घर वालों को घरौनी का कागज मिला तो उनके होश उड़ गए। उनकी आबादी की जमीन का बंटवारा किया गया तो उसमें छह भाइयों के बीच सातवां भाई कुआं का भी हिस्सा लगा दिया गया है। अब छह भाइयों के बीच सातवां भाई कुआं कहां से आ गया, किसी को समझ नहीं आ रहा। वही अब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा जाएगा, वही इस मामले का निस्तांतरण हो सकेगा।
एक प्रकरण संज्ञान में आया है जहां कुएं की वलियत करके ध्रुव सर्वे के माध्यम से आबादी स्वामित्व योजना में घोषित कर दी गई। प्रथम दृष्टया ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और ये क्लरिकल त्रुटि प्रतीत हो रही है, जिसमें इसमें फिलहाल तो कोई शासनादेश नहीं है त्रुटि संशोधन के बारे में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद से संपर्क स्थापित कर इसको निम्नानुसार निस्तारण कराया जाएगा। वही अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष किरण प्रजापति ने प्रदेश के होमगार्ड और कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पर शारीरिक शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में मंत्री ने उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनका यौन शोषण किया था। इस मामले में महिला नेत्री ने सीएम योगी को शिकायती पत्र भी लिखा है और कार्रवाई की मांग भी की है। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स ऋषिकेश के निकट न्यू साई मेडिकोज का संचालक नियम और कानून के साथ जमकर खेल कर रहा है और जिम्मेदार जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जिम्मेदारों की ये लापरवाही कभी भी मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। बता दें कि 12 जुलाई को न्यू साई मेडिकोज का लाइसेंस औषध नियंत्रण विभाग ने कैंसिल कर दिया था, बावजूद उसके मेडिकल स्टोर पर खुलेआम दवाइयों को बेचने का धंधा बराबर से चल रहा है। वही अगली खबर संभल से है, जहां हरियाणा राज्य के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वही इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की, साथ ही हरियाणा सरकार से हिंसा में घायल और मृत बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई। वही अगली खबर झांसी से है, जहां अवैध रूप से संचालित होने वाले हुक्का बारों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इन दिनों पूरे महानगर में फर्जी रूप से चल रहे हुक्का बारों का जाल सा बिछ गया है। आए दिन इनमें मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि इन हुक्का बारों की मदद मादक पदार्थों का भी सेवन कराया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। वही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत बारामार के समीप देर शाम अज्ञात बदमाशों द्वारा 1,65,000 रुपए की लूट का खुलासा पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1,65,000 रुपए मिला है। वही एक टैबलेट, एक मोबाइल फोन, एक बायोमेट्रिक मशीन, दो नोटपैड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बाकी के सामान बरामद किए गए हैं। 1 अगस्त 2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना दी गई सूरज कुमार बिंद के द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गई। उनके साथ लूट की घटना कारित की गई है, जिस पर मौके पर थाने के अलावा बाकी सभी अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया। वही अगली खबर झांसी से है, जहां नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने जैसे ही मानिक चौक पहुंची, तभी नगर निगम के बुलडोजर को देख व्यापारी भड़क उठे। उन्होंने टीम का अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध करते हुए बाजार बंद कर दिया। वही अगली खबर झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने वाली एम्बुलेंस को कर्मचारी और राहगीर धक्का लगाते हुए नजर आए। वही सीएमएस अधिकारी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस वीआईपी ड्यूटी में लगाई जाती है, जो कि काफी समय से गैरेज में खड़ी थी, कभी कभी ही बाहर निकलती है, जिस कारण वो खराब हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।